हैव एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया सिन्हा। सो गाइस, आज हमारे सादिया सिन्हा कौन से ब्यूटीफुल से डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं, वो भी ईद स्पेशल डिज़ाइन। और इस हमारी मेहंदी के डिज़ाइन से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जो हमारे हैंड का है वो लुक आने वाला है, और हमारे जो मेहंदी कोन्स है उससे बहुत अट्रैक्टिव फिनिशिंग आती है। सो हमने इसकी सेलिंग भी स्टार्ट की। अगर आपको बाय करने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सअप अकाउंट पर जो है वो DM करके आप इसे ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्रिएट कर रही हूँ ब्यूटीफुल सी हमारी डांसिंग लीव्स, बिकॉज लीव्स जो है वो सभी को बहुत पसंद आती है, और जो स्पेशली ईद की डिज़ाइन होती है, जो चांद वाली डिज़ाइन होती है, उसमें बहुत अट्रैक्टिव भी लगती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्रिएट कर दी है, बॉर्डर लाइन दे दिए, और अब मैंने इसमें फिलर एलिमेंट को फिल कर दिया है। नेक्स्ट फिगर में भी सेम फिलर एलिमेंट को मैंने डिफरेंट वे में जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब बॉर्डर लाइन यहाँ पे क्रिएट करेंगे सिंपल सी। इसी के साथ फटाफट से हमारी दो जो फिंगर की डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम क्रिएट करेंगे हमारी मिडल फिंगर। तो मिडल फिंगर में आपको कोई भी अट्रैक्टिव एलिमेंट लेना है जो हाईलाइट हो, तो यहाँ पर मैं बोल्ड रोज ले रही हूँ। आप चाहो तो आप बोल्ड हार्ट शेप ले सकते हो, या फिर आप बोल्ड मून भी क्रिएट कर सकते हो। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर डेफिनेटली क्रिएटिविटी कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बोल्ड फ्लावर को कर दिया है क्रिएट। अब फ्लावर को लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ हम मिलाकर हमारी फिंगर की डिज़ाइन को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी फिंगर के डिज़ाइन में हम और नए नए क्रिएटिव एलिमेंट्स लेके हमने यहाँ पे इसे कर दी है क्रिएट। चेक फिंगर में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, तो यहाँ पर मैंने वो भी कंप्लीट कर दिया है। वापस से अब हम यहाँ पे हमारी फर्स्ट फिंगर की तरफ भी थोड़ी लीव्स को जो है वो एक्सटेंड करेंगे, ताकि ब्यूटीफुल सी हमारी बैक हैंड में जो फिंगर की डिज़ाइन है वो बहुत अट्रैक्टिव नज़र आए। यू कैन सी एवरीवन, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड या ऑफकोर्स हम इसे थोड़ी सी और एक्सटेंड करेंगे, और इसी तरीके से हम भी हमारी फर्स्ट फिंगर के डिज़ाइन को जो है वो ब्यूटीफुली कंप्लीट करेंगे। अब हम मून क्रिएट करेंगे फिंगर के डिज़ाइन के बाद। सो मून की डिज़ाइन को जो है हम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हमारा जो मून है वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगेगा और हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मून को कर दिया है क्रिएट। अब मून के सेंटर से मैंने इस तरीके से विंग्स को क्रिएट किया है, बहुत अट्रैक्टिव लगेगी ये। अब छोटे छोटे से स्पाइरल में डिस्टेंस पे यहाँ पे जो है वो क्रिएट करूँगी, और बचे हुए हमारे स्पेस पे मैं सारा फिल कर दूंगी। तो मून भी जो है वो एक लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ बन जाएगा। सी हमारा मून हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे लीव्स की विंग्स को बनाएंगे हमारी। सो पाम के एज पे हम कंप्लीट कर देंगे वापस से ज्यूसी लीव्स कुछ इस तरीके से।
कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे सेंटर पे जो है वो हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे लीव्स। हम बोर्ड वाले लीव्स नहीं क्रिएट कर रहे, ज्यूसी लीव्स को हम ब्यूटीफुल वे में यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और बाहर के जो लीव्स है वहाँ पे हम लैम्प क्रिएट करेंगे। इस बार का लैम्प थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है, तो आप देखो मैं किस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ। लैम के क्रिएट हो जाने के बाद मैं अगेन यहाँ पे लीव्स को क्रिएट करूँगी ब्यूटीफुली एट्रैक्टिवली, बहुत ब्यूटीफुल। यू कैन सी कितने ब्यूटीफुल नज़र आएंगे ये। और ये वाले जो है उसे हम इसी तरीके से लाइट ही रहने देंगे ताकि वो और हाईलाइट हो, ब्यूटीफुल नज़र आए। वापस से बाहर की साइड के लीव्स को एज इट इज़ कम्प्लीट किया। अब अंदर वाले जो हमारे इनसाइड जो हमारे लीव्स है उसमें हम कर रहे हैं यहाँ पे शेडिंग्स। इस तरीके से हमें लाइट लाइट शेडिंग करनी है। इट्स ओके, कलर आता है और सादिया सेना कौन से तो बहुत ही अट्रैक्टिव कलर आता है, तो इस तरीके से लाइट शेडिंग आपको करनी है। और हमारे फिंगर के हमारे लास्ट थंब की डिज़ाइन में भी हमें इस तरीके से ही ज्यूसी लीव्स को क्रिएट करना है। और आप अपनी मर्जी से कोई भी सपोर्टिव फिलर एलिमेंट भी फिल कर सकते हो। अब हम करेंगे यहाँ पे हमारे मीनारे की जो है वो यहाँ क्रिएट कर रही हूँ। मुझे इस एंडिंग के बिना तो इनकम्प्लीट लगती है मेरी कोई भी डिज़ाइन, तो आप देख सकते हो ये बहुत अट्रैक्टिव लगेगा जब फील हो जाएगा। और हमारे इस तरीके की मून की डिज़ाइन के साथ तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो अपने मर्जी से कोई भी फिलर एलिमेंट यहाँ पे आपको फिल कर देने हैं। अगर आप चाहो तो नेटिंग चेक्स भी क्रिएट कर सकते हो अपनी आप अपनी मर्जी से भी क्रिएटिविटी कर सकते हो। अब हम कर देंगे इसकी एज को बोल्ड और आप फाइनल लुक देख सकते हो कि हमारी जो डिज़ाइन है वो कितनी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।